वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मेरे मित्र, और आज दो पुस्तकें हम लोगों के सामने जिनके कारण आई हैं, ऐसे श्री किशोर मकवाना जी, प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे मालूम नहीं पुस्तक के लोकार्पण के कार्यक्रम में क्या सोचकर प्रभात जी ने मुझे चुना है, क्योंकि मूलतः मैं लिखने वाला व्यक्ति नहीं हूं, काम करने वाला आदमी हूं और सीधा साधा व्यक्ति हूं। और ये जो साहित्य की रचना हुई है उसके बारे में बोलने के लिए ये मुझे कहा गया है। मित्रों, नरेंद्र भाई की कई पुस्तकें, गद्य और पद्य, दोनों प्रकार का साहित्य लोगों के सामने कई भाषाओं में उपलब्ध है। साहित्यकार साहित्य की जब रचना करता है तब शैली तो उसकी खुद की हो सकती है, मगर तत्वतः जिस बिंदु पर साहित्य की रचना होती है उसमें उसका मनोभाव छलक कर बाहर आता है। समाज को देखने का नजरिया, समाज की समस्याओं को जानने की और उसके विश्लेषण करने की पद्धति और अपने भावों से उसकी अभिव्यक्ति, ये तीन मिलते हैं तब जाकर साहित्य का निर्माण होता है। और नरेंद्र भाई बहुत बचपन से सामाजिक कामों में जुड़े रहे, राजनीतिक क्षेत्र के आज के नेताओं का हिसाब किताब कर ले तो बहुत लेट अपने जीवन के काफी समय बिताने के बाद राजनीति में भी आए और दोनों क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर नरेंद्र भाई रहे। आज मैं ये चार पुस्तकों के बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर तीन पुस्तकें जिन्होंने लिखी है और एक पुस्तक जिन पर लिखी गई है, ऐसे नरेंद्र भाई के बारे में मैं जरूर बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आज तक उन पर बोलने का मौका कभी नहीं मिला, तो इसलिए मैं नरेंद्र भाई पर जरूर बोलना चाहता हूं। आज नरेंद्र मोदी एक नाम, एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व पूरी दुनिया जानती है मित्रों, मगर उसके पीछे 40 साल का एक समर्पित, एक ही दिशा का और एक ही निष्ठा के साथ किया हुआ संघर्ष और प्रयास, इसके लिए जिम्मेदार है बहुत कम लोगों को मालूम होगा। बहुत छोटी उम्र में एक बहुत गरीब परिवार में गुजरात के एक पुरातन नगर में जन्म लेकर लगभग कह लीजिए बाल्यकाल से किशोरावस्था में जब
व्यक्ति प्रवेश करता है उसी वक्त घर छोड़कर, बहुत सारी उज्जवल जीवन की संभावनाएं छोड़कर, क्योंकि बचपन से ही आत्मविश्वास थे, वो लेस थे, तो उज्जवल जीवन की काफी संभावनाएं छोड़कर पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने माध्यम चुना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर समाज की समस्याओं के निवारण के लिए और समाज की एकता के लिए काम करने का उन्होंने निर्णय किया। प्रचारक बनते ही इमरजेंसी आई और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने एक युवा प्रचारक के नाते गुजरात में अंडरग्राउंड रहकर, भूमिगत रहकर काम करने वाले सभी विचारों के अलग अलग कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, उसका हौसला बनाया, बढ़ाया और चुनाव तक भूमिगत रहकर ही उसी आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है, नरेंद्र भाई ने जो इमरजेंसी के उनके अनुभव थे उनके बारे में भी लिखा है। और काफी सालों तक संघ का काम करते गए। मित्रों, नरेंद्र भाई राजनीति में आए, संगठक बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी बने, सारा देश यही काम से उनको जानता है। मगर मैं बिना संकोच से एक बात कहने चाहता हूं कि नरेंद्र भाई का देश की पब्लिक लाइफ में अगर सबसे ज्यादा योगदान है तो राजनीति में एक संगठक के नाते आने के बाद, एक मुख्यमंत्री होने के बाद और एक प्रधानमंत्री होने के बाद शायद जितना समय रहेंगे और करेंगे उससे ज्यादा बड़ा योगदान कार्यकर्ता निर्माण का जो काम उन्होंने अपने प्रचारक जीवन में किया था और हजारों कार्यकर्ताओं की एक श्रृंखला बनाकर गुजरात के काम का एक पिंड बनाने का काम अपनी शुरुआत के जीवन में उन्होंने किया। जब 86 का ये जो माँ जगत जननी को लिखी हुई डायरी का पत्र पढ़ रहे थे वो उस दिन का पत्र है जब नरेंद्र भाई को संघ से भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए कहा गया, उस दिन का ये पत्र है। 86 में नरेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन गुजरात के बने। उस वक्त गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें एक बार 21 आई थी, 182 विधानसभाओं में, 182 सीटों की विधानसभा में 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। ये हमारा सर्वाधिक वैभव था और उसमें से पूरी सामाजिक रचना को, पूरे समाज जीवन के हर हिस्से को, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया, समेटने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को एक, आप कह सकते हैं, कॉन्क्रीट स्वरूप देने का काम नरेंद्र भाई ने किया। उसी के कारण और उस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां हुई उसके कारण गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 95 से लेकर 2015 तक, आज तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी कभी परास्त नहीं हुई। वो नींव डालने का काम 1986 से 1950 नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने 2001 तक जो संगठन का काम गुजरात में हुआ उसी के कारण हुआ। मित्रों, राजनीति में प्रवेश करने के बाद एक समय आया, नरेंद्र भाई दिल्ली के कार्यालय में भी रहे, राष्ट्रीय मंत्री रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी बने और देश भर का भ्रमण उन्होंने किया और उस वक्त ही शायद भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक मजबूत नींव डालने का उनका मन, उनका जो इरादा है वो तैयार हुआ होगा। गुजरात में जब 2001 में उनको मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया, शायद देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों में पहले मुख्यमंत्री थे जो व्यक्ति कभी पंचायत के पंच का भी चुनाव नहीं लड़ा था, वो सीधा गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर पार्टी ने उसको गुजरात की भेजा दिया। बहुत अटकलें लगाई जाती थी, उनको शासन का अनुभव नहीं है, उन्होंने कभी शासन में सीधी रूप से काम नहीं किया है, ना विधायक रहे, ना सांसद रहे, ना काउंसिलर रहे, ना मंत्री रहे, सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे। और ऐसी परिस्थिति में जब पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था स्थानीय इकाई की चुनाव में, क्या करेंगे?
गुजरात के कार्यकर्ताओं के मन में संशय कम था, मगर देश भर में गुजरात की घटनाओं को देखने वाले लोगों के मन में एक बहुत बड़ा संशय था। मगर गुजरात की जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने, उस वक्त की देश की राजनीति का मैं आपको थोड़ा दो वाक्यों में परिचय कराना चाहता हूँ। 47 के लेकर 2001 तक जिस तरह से राजनीति चली और 67 के बाद राजनीति में जिस तरह से गिरावट आने लगी, एक संशय देश के युवाओं के मन में खड़ा हुआ था कि बहुपक्षीय राजनीतिक व्यवस्था से इस देश में कभी कल्याण राज्य की व्यवस्था कभी खड़ी हो सकती है क्या? हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम कभी वेलफेयर स्टेट बना पाएगी क्या? और एक निराशा का भाव था। राइट लेफ्ट मध्य सबके शासन देश ने देखे थे। ठेठ दूर पूर्व में कम्युनिस्टों का शासन भी कल्याण राज्य बनाने में विफल रहा था और बाकी सब सरकारें भी धीरे धीरे फेल कर रही थी। उसी वक्त 2001 में नरेंद्र भाई को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसके बाद गुजरात के अंदर जो शासन के अंदर परिवर्तन आया, संस्कार के अंदर, सरकार चलाने के संस्कार के अंदर जो परिवर्तन आया, और उसके कारण 2013 आते 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 गुजरात का मॉडल विश्व भर के एडमिनिस्ट्रेशन और आर्थिक जगत के लोगों के लिए एक नया संशोधन का विषय बना और सबकी आशाएं जगी कि इस देश में इसी संविधान के दो पृष्ठों के बीच में ही वेलफेयर स्टेट की रचना हो सकती है। इस प्रकार का शासन गुजरात में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ। कल्याण राज्य की जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए बाकी सब चीजें भी महत्वपूर्ण हैं, मगर कई ऐसी समस्याओं को नरेंद्र भाई ने उठाया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मूल विचार उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते गुजरात में उसको उठाया। हर गांव में चिलचिलाती झूप में मुख्यमंत्री से लेकर गांव के पटवारी तक सभी लोग 5 दिन कन्याओं को बेटियों को दाखिला दिलाने के लिए स्कूल में जाते थे। इस प्रकार की एक शासन व्यवस्था गुजरात के अंदर खड़ी करी। 24 घंटा बिजली देने का प्रयोग जब शुरू किया तब काफ़ी लोग हंसते थे। मैं भी उस मंत्रिमंडल में मंत्री था। मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को भी संशय था कि भाई कैसे हो पाएगा, नामुमकिन है, देश भर में अगर हो सकता तो अब तक क्यों नहीं हुआ। मगर सफलतापूर्वक वहाँ हुआ। कृषि महोत्सव शुरू करते ही चमत्कारिक रूप से कृषि विकास दर जो 4% से कभी देश में किसी राज्य की बढ़ती नहीं थी, गुजरात ने कंटिन्यूसली 10 साल तक एवरेज 10% से ज़्यादा कृषि विकास दर को हासिल करने का काम नरेंद्र भाई के नेतृत्व में किया। सागर खेडू योजना, जो सागर किनारे के गाँव है वहाँ पर अक्सर विकास नहीं पहुँचता है, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया। वनवासी कल्याण योजना, कई प्रकार के ऐसे प्रयोग किए गए गुजरात सरकार के अंदर, जिसने सरकार नाम की एक संस्था के लिए लोगों की कल्पना को धीरे 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 बदलने का काम किया। कई नए प्रयोग जैसे ई गवर्नेंस, कर्मचारियों को कर्मचारी न मानना, कर्मयोगी मानकर उनको काम के साथ एक मनोयोग के साथ जोड़ने का एक नवीन प्रयोग नरेंद्र भाई ने गुजरात में किया। कर्मयोगी अभियान उठाया। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से दुनिया भर की इंडस्ट्रियों को गुजरात में लाने का रास्ता प्रशस्त किया। स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत भी यहाँ हुई। भारत की सबसे पहली FSL यूनिवर्सिटी बनी, रक्षा यूनिवर्सिटी बनी, 100% कनेक्टिविटी वाले पुलिस स्टेशन और 100% कनेक्टिविटी वाले गाँव पहली बार अगर भारत में कहीं पर अस्तित्व में आए तो वो गुजरात में ही आए और ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल उन्होंने करा। मित्रों, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, मगर आज ये विषय नहीं। मैं विषय इसलिए कह रहा हूँ कि गुजरात के अंदर जो शासन चला वो शासन ने देश भर में एक प्रकार की सुगंध फैलाई। इस बात की चर्चा कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से द्वारका तक फैले इतने बड़े देश में हर सूबे में हर प्रांत में पहुंची और उसी के कारण एक माहौल बना 2013 में कि कोई परिवर्तन कर सकता है तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और उनके नेता नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। राजनाथ जी यहाँ बैठे हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके ही अध्यक्षता में एक स्तुत्य निर्णय पार्टी ने लिया, नरेंद्र भाई को 2014 की चुनाव का कमान दिया और 30 साल से अस्थिरता के बीच जीती हुई भारत की राजनीति को एक स्थिर और स्थायी सरकार
पूर्ण बहुमत की सरकार 30 साल के बाद देने के काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई और हमारे अध्यक्ष उस वक्त के श्रीमान राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हुआ और आज वो सरकार 1.25 साल से बहुत अच्छे से काम करी है। मित्रों, नरेंद्र भाई एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बचपन से देशभक्ति के संस्कार के कारण ही वो संघ से जुड़े, संघ के प्रचारक बने, एक अद्भुत संगठन कला के वो स्वामी हैं। प्रामाणिक और चारित्रवान जीवन केवल शब्दों में नहीं होता, यथार्थ रूप से जीने का कोई उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। तो 40 साल का सार्वजनिक जीवन देश के सामने खुली किताब की तरह पड़ा है, कोई उंगली उठाकर उस पर आरोप भी नहीं कर सकता। इस तरह का सार्वजनिक जीवन कैसे जिया जाता है उसका नरेंद्र भाई ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक कुशल वक्ता है, एक रुझु हृदय के कवि भी है, एक सिद्धहस्त लेखक भी है, एक विजनरी प्रशासक है और कठोरता से फैसलों को लॉजिकल एंड तक ले जाने की राज के इच्छा शक्ति और मादा भी नरेंद्र मोदी में है और उसी के कारण परिणाम आते हैं। मित्रों, आज नरेंद्र भाई न केवल देश विश्व की राजनीति में एक बहुत चर्चित और सफल नेता के रूप में प्रस्थापित हुए हैं, पूरी दुनिया में इनको जानने की, उनको देखने की, उनको सुनने की, उनके काम को समझने की एक उत्सुकता पैदा हुई है। दुनिया भर के देशों के राजदूतों को मैं पार्टी के अध्यक्ष से नाते मिलता हूँ, 90% टाइम उनका ये नरेंद्र मोदी व्यक्ति क्या है उसकी क्यूरियोसिटी में निकल जाता है। उनके या हमारे देश की चर्चा कोई नहीं करता, नरेंद्र मोदी की जानकारी लेने में ही उनका समय निकल जाता है। मित्रों, आज 4 पुस्तक यहाँ पर रखी है। साक्षी भाव, वैसे सीधी सादी भाषा में कहिए तो डायरी है, रोदनीसी है, मगर नरेंद्र भाई क्योंकि भावुक व्यक्ति है और आध्यात्मिक रूप से एक हद तक चेतनवंत एक आत्मा है, इसलिए उन्होंने अपनी डायरी को माँ जगत जननी को लिखे हुए अपने पत्रों से पत्र के रूप में लिखा है। उसका एक बचा खुचा हिस्सा जो हाथ में आ गया उसको यहाँ संकलित कर कर रखा है। मैंने भी कई पत्र उनके ऐसे पढ़े हैं, उतार चढ़ाव, सफलता विफलता, निराशा उत्साह, हर भाव में लक्ष्य बदले बगैर व्यक्ति किस तरह से सोच सकता है उसका बहुत बड़ा उदाहरण अगर देखना है तो आप साक्षी भाव पढ़ लीजिएगा। उतार चढ़ाव आए, सफलता विफलता आई, निराशा आई, आनंद आया, दुख आया, मगर व्यक्ति का लिखने का लक्ष्य एक ही रहा, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाना। यही लक्ष्य से कोई व्यक्ति 40 साल तक काम करता है तब जाके साक्षी भाव की निर्मिति होती है। सामाजिक समरसता का कंसेप्ट, नरेंद्र भाई खुद अति गरीब परिवार से आते हैं, गरीबी को इन्होंने देखा है, पिछड़ेपन को उन्होंने देखा है और पिछड़ेपन के कारण समाज में जो विकृतियां आती है उसकी अनुभूति और अनुभव उन्होंने खुद किया है, इसलिए हृदय से लिखी हुई एक उनके लेखों का संकलन भाई किशोर भाई ने किया है और इसके लिए भी मैं किशोर भाई को साधुवाद देना चाहता हूँ। शायद वो ये संकलन न होता तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को नरेंद्र भाई के व्यक्तित्व का ये हिस्सा, ये डायमेंशन देखने को न मिलता, जानने को न मिलता। और ज्योतिपुंज, मित्रों इस पर मैं विशेष बात करना चाहता हूँ, ज्योतिपुंज एक ऐसी किताब है कि आधुनिक भारत में भी पौराणिक कल्पनाओं में जिस तरह के जीवन को हम देखते थे उसी तरह के जीवन को जीने वाले लोग हैं जो पूरा जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण देश के को समर्पित करते हैं और कभी यश की अपेक्षा नहीं करते। ना घर होता है, ना परिवार होता है, ना बैंक अकाउंट होता है, ना कोई प्रॉपर्टी होती है, पूरा का पूरा जीवन कार्यकर्ताओं के बीच में जाता है, पूरा का पूरा जीवन देश को आगे बढ़ाने में खर्च करने वाले लोग जो होते हैं, देश के लिए मरने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। हर शहीद की जीवनी भी लिखी गई, हर शहीद को सम्मानित किया गया और करना भी चाहिए, मगर देश के लिए जीने वाले लोगों के लिए लिखने वाला पहला लेखक है नरेंद्र मोदी। ज्योतिपुंज संघ की विचारधारा के आधार पर पूरा जीवन जीने वाले
कुछ तो प्रचारक और कुछ व्यवसायी स्वयंसेवक, उनका मिलाकर एक अद्भुत लेखन नरेंद्र भाई ने किया है। और नरेंद्र भाई ने इन सबों के साथ बहुत नज़दीक से काम किया है, उन्होंने जो देखा है, देखा है, जो सुना है और जो उनके साथ काम करते करते अनुभव आया है, उसकी अभिव्यक्ति इन्होंने ज्योति पुंज के माध्यम से करी है। ये तीनों पुस्तक और भाई किशोर मकवाना ने जो नरेंद्र मोदी एज अ कॉमन मैन, नरेंद्र मोदी कॉमन मैन, वो पुस्तक का भी आज लोकार्पण हुआ है। नरेंद्र भाई जब सीएम बने तब उन्होंने पहला वाक्य बस्ती में जर्नलिस्टों को कहा था कि मैं आजीवन सीएम हूँ। तब कुछ लोगों ने अपनी आदत से उसको अहंकार के साथ जोड़ने का प्रयास किया। तीसरी ही सेकंड में उन्होंने कहा सीएम का मतलब होता है कॉमन मैन, और तुरंत उनको मालूम पड़ा कि ये अहंकार का भाव नहीं है, विनम्रता का भाव है। मित्रों, आज प्रभास प्रकाशन ने ये तीनों पुस्तक, आगे भी नरेंद्र भाई की कई पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की है, हमारे विचार के कई पुस्तकें प्रभास प्रकाशन ने प्रकाशित की है, और इसका आज कार्यक्रम है। ये चार पुस्तकें लोगों के बीच में रख रहे हैं, कुछ तो अनुवाद है, हिंदी संस्करण, अंग्रेजी संस्करण रखे गए हैं, मगर मैं आज प्रभात प्रकाशन को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि लोगों को सच्चे नरेंद्र भाई को जानने का ये चारों पुस्तकों से मौका मिलेगा, और उनके व्यक्तित्व की कई ऐसी चीज़ें जो लोगों के बीच में नहीं है वो उजागर होगी, और सालों सालों तक समाज जीवन के लिए, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं के लिए ये पुस्तकें निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत बनेगी, इसकी मुझे श्रद्धा है। आज मुझे यहाँ बुलाकर ये पुण्य कार्य में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने मौका दिया, इसके लिए प्रभात प्रकाशन का धन्यवाद मानकर मेरी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।